हेलो दोस्तों, एक और वीडियो के साथ मैं आ गया हूँ। इस वीडियो में हम मार्कशीट कैसे बनाते हैं वो बताने वाला। तो गाइस बने रहिए वीडियो में, इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है और बहुत एक बिगनर के लिए बहुत अच्छा है ये वीडियो। जो मार्कशीट बना सकते हैं वो इजीली ये फॉर्मेट को यूज करके बना सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि मैंने यहाँ पे हेडर लिख रखा है, सीरियल नंबर, नेम, कुछ सब्जेक्ट्स के नाम। तो ये सारा हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में सारा होने वाला है जो कि ये सब आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हो ये सब हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, रैंक तक, ठीक है। तो गाइस बने रहिए वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ फॉर्मूले हैं जो आप देख सकते हो, इफ लॉजिकल फॉर्मूला, रैंक, रैंक बिटवीन एंड चूज। अब कैसे यूज करना है गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले सीरियल नंबर लिखेंगे। तो गाइस सीरियल नंबर लिखने का मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता सकता हूँ, या फिर अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, बिगिनर के लिए है तो हम इनिशियल से स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए। तो हम एक लिखेंगे, दो लिखेंगे, उसके बाद यहाँ रखे कर्सल को माउस का लेफ्ट बटन पकड़ के ऐसे करके यहाँ करके यहाँ पे आके ब्लैक हो गया, माउस का लेफ्ट पकड़ के आपको ऐसे ड्रैग कर देना है। इजी है गाइस। नाउ अब बात करते हैं, मैं 10 स्टूडेंट का नाम लिखूंगा यहाँ पे। तो उसके लिए आप अगर आपको बहुत बड़ा डाटा बनाना है, इसके लिए अगर आपको डाटा बनाना है तो उस केस में चूज के साथ रैंक बिटवीन यूज कर सकते हो रैंडम टेक्स्ट लाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं चार नाम लिख देता हूँ, रैंडम, अमर, अमन, सोनी, अमर, राज और रानी लिख देते हैं, ठीक है। ये नाम हमने लिखा है यहाँ पे, अब मैं इसको बोल्ड करता हूँ ताकि आपको दिख जाए। अब इस जो 10 तक के जो ये नंबर है सीरियल नंबर, इस पे मेरे को रैंडम ये पांचों नाम लेके आना। तो कैसे करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा जूम करता हूँ फिर आपको दिखेगा थोड़ा सा अच्छे से। सेलेक्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू चूज टैब, इंडेक्स जगह लिखेंगे रैंड बिटवीन टैब। अब उसके बाद बोल रहा है बॉटम, बॉटम मतलब कि सबसे छोटा आप कौन सा डालेगा। तो सबसे पहले हम क्या डालेंगे, सीक्वेंस पूछा जा रहा है तो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे गाइस, हम यहाँ प्रेस करेंगे 1। उसके बाद फॉर्मूला का इंटरफेस क्या कह रहा है, कमा कमा। टॉप आई मतलब कि हम 1 से 5 तक नाम लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज कमा। अब बोल रहा है वैल्यू, तो इन्वर्टेड कमा में हम लिखेंगे पहला नाम हमारा क्या था, अमन, इनवर्टेड कॉमा क्लोज, कमा। दूसरा नाम हमारा क्या था, अमर, इनवर्टेड कॉमा क्लोज। टेक्स्ट हमेशा इनवर्टेड कॉमा में आता है, अब इसको डबल कोट भी बोल सकते हो, कमा। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट हमें देखना पड़ेगा, कॉमा में लिखेंगे सोनी, इनवर्टेड कॉमा क्लोज, कमा, इनवर्टेड कॉमा, राज, इनवर्टेड कॉमा क्लोज, कमा, कमा क्या था, सोनी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सोनी, उन्होंने लिख दिया है, हमारा क्या बचता है, रानी, रानी नहीं लिखा हमने तो यहाँ इनवर्टेड कॉमा में रानी, इनवर्टेड कॉमा क्लोज और कंट्रोल, सॉरी ब्रैकेट क्लोज कंट्रोल एंड लुक, रैंडम नाम आ गया। थोड़ा सा जूम आउट करूंगा, अब देख सकते हैं ना, इजी गाइस। अब फॉर्मूला का इंटरफेस देख सकते हो, ऐसे आपको फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं आप, है ना। ओके सो गाइस चलते हैं नेक्स्ट। अब जब भी आप कहीं पे कुछ लिखते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं कुछ लिख रहा हूँ, देखिए चेंज हो रहा है ना, तो इसको फिक्स करने के लिए हम पेस्ट स्पेशल का यूज करते हैं। तो पहले कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करेंगे तो कुछ स्पेशल का ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको वैल्यू कर देंगे। अभी फॉर्मूला दिख रहा है ना आपको, अभी फॉर्मूला ये हट जाएगा, फॉर्मूला हट गया, आप कुछ भी कहीं भी लिखते हो तो ये चेंज नहीं होगा, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट गाइस आप बात करते हैं रैंड फॉर्मूला का, रैंड बिटवीन फॉर्मूला। ये क्या करता है, ये रैंडम नंबर्स लेके आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं रैंडम नंबर लेके आ रहा हूँ, इजिकल टू आर ए एन डी, नीचे आएंगे तीसरे नंबर पे टैप प्रेस करेंगे, बॉटम हमारा है 33 सबसे कम नंबर आना चाहिए, कमा, टॉप हमारा 99 और ब्रैकेट क्लोज कंट्रोल होल्ड करके एंटर, लो है ना, टाइम बच रहा ना गाइस, है ना, इंटरेस्टिंग। सो गाइस बने रहिए वीडियो में, आगे और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होने वाला है इस मार्कशीट। अब क्या करेंगे, इसको फिक्स करने तो चेंज होगा, फॉर्मूला हटाने के लिए हम पेस्ट स्पेशल का यूज करते हैं। गाइस स्पेशल की वीडियो भी जल्दी ही अपलोड हो जाएगी, वीडियो बन चुकी है, बस एडिट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट बी एंड इसको कर देंगे वैल्यू यहाँ से एंड ओके, लुक हट गया ना ऊपर, आप देख सकते हो। अब गाइस आ गया यहाँ पे नेक्स्ट टोटल। अब टोटल बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, टोटल कैसे निकालेंगे, बहुत सारे तरीके हैं। सम सीरीज देख सकते हो, सम सीरीज के वीडियो उसमें सब कुछ डिटेल में बताया गया है, बट यहाँ पे हम करेंगे इज इक्वल टू सम टैब, सेलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक और एंटर। अब नीचे आके यहाँ पे कंट्रोल डी डाउन, बोला डाउन, क्लियर है गाइस। नेक्स्ट आता है मिन, तो इज इक्वल टू मिन टैब, नंबर मांग रहा है तो इसको सेलेक्ट कर देंगे और इसमें से वो मिन वैल्यू आ गया ना 39। अब यहाँ सेलेक्ट करिए कंट्रोल टी, देख सकते हैं 39, मैं इसको रेड कर देता हूँ। नाउ नेक्स्ट मैक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, मैक्स निकालने के लिए जस्ट सेलेक्ट करेंगे इज इक्वल टू मैक टैब, सेलेक्ट करेंगे सो और कंट्रोल एंटर, लो एंड इज गाइस। नाउ परसेंटेज कैसे निकाल, परसेंटेज निकालने का सिंपल तरीका है गाइस, यहाँ रखेंगे इज इक्वल टू दिस वन डिवाइड, जिसको भाग बोलते हैं 400, क्यों, 1 2 3 4 वो सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई 400, ईच सब्जेक्ट 100 नंबर का है, उसके बाद 4 मतलब इनटू 100 और एंटर, इजी है, कंट्रोल आगे गाइस। नाउ नेक्स्ट आ जाओ एवरेज, एवरेज क्या होता है, इजिकल टू टोटल ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से टोटल भाग और डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट और एंड। अब आप बोलोगे सर एवरेज और परसेंटेज सेम क्यों आया, तो गाइस अभी आपको इस पे मैं बताता हूँ, पहले इसको कंप्लीट कर लें या पहले बता देता हूँ। सो गाइस कभी भी परसेंटेज है जो 100 से एक्सीड नहीं हो सकता, बट एवरेज एक्सीड भी हो सकता है, एवरेज 700 भी हो सकता है, 800 भी हो सकता है, 900 भी हो सकता है, बहुत ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे करते आइए, मान लीजिए एवरेज में मैं परसेंटेज में 100
होगा था ना, अब इसको हजार कर दे, हजार में से पांच सब्जेक्ट है, ओके, पांच सब्जेक्ट में हजार में से आ रहे 800, 560, 780, 680 एंड 900, 800, 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
क्या 5000 हो गए। सो गाइस अब इसका सम तो ऑल्ट इज इक्वल टू और एंटर कंट्रोल बी बोल्ट। तो गाइस अगर हम इसका निकालते हैं परसेंटेज तो हम निकालते हैं परसेंटेज यहाँ पे परसेंटेज इधर निकाल देते हैं उसके बाद एवरेज हम इधर निकालते हैं इसी का। तो इज इक्वल टू जो टोटल हमारा आया है जैसे कि हम लाइक अपना परसेंटेज निकालते थे स्कूल टाइम पे भाग और डिवाइड कितने से करेंगे 5000 और इनटू में 100 परसेंटेज निकाल एंटर 72.4 क्लियर है। अब एवरेज क्या होता है अगर एवरेज का फॉर्मूला आपको यूज करके दिखाऊं तो इज इक्वल टू एवरेज इसका भी गाइस सीरीज है एवरेज का सीरीज आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हो प्लेलिस्ट में मेंशन टैब। अब यहां से यहां का इसका एवरेज चाहिए एंटर लो। अब ये तो था मैं एवरेज के फॉर्मूले से निकाला मैं आपको निकाल के दिखाता हूं कैसे जैसे कि ऊपर आपको निकाल के इज इक्वल टू दिस वन भाग 2 4 5 5 होप आपको क्लियर होगा। अगर ऐसे आपको समझ नहीं आता जस्ट कमेंट मी जस्ट रीच आउट मी आपको मैं क्लियरली बता दूंगा। ओके सो गाइस नेक्स्ट आता है वो आता है रिजल्ट। आप ऊपर फॉर्मूला देख भी सकते हो आपको इजीली समझ आ जाए इसलिए मैं ऊपर भी मेंशन करके रखा हूं। तो गाइस रिजल्ट निकालते हैं फेल और पास जिससे मैं बहुत डर लगता था स्कूल टाइम पे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इज इक्वल टू इफ टैब लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट हमारा क्या है ये टोटल अब सॉरी लॉजिकल टेस्ट हमारा क्या है हम निकालेंगे परसेंटेज से। तो हम निकालते हैं परसेंटेज मोर देन 33 या फिर 30 परसेंटेज इज इक्वल मोर देन इज इक्वल टू किसके 33 से ज्यादा है 33 के बराबर होगा तो क्या होगा तो कमा ट्रू वैल्यू इनवर्टेड कमा में पास इनवर्टेड कमा क्लोज उसके बाद कमा उसके बाद क्या बोला वैल्यू इज ट्रू अगर ये कंडीशन अप्रूव नहीं होता तो क्या हो तो इनवर्टेड कमा में फेल इनवर्टेड कमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल एंटर। लुक गाइस सारे पास हो गए कोई बात नहीं है आओ इधर हम यहाँ पे अमन का नंबर चेंज करते मान लो अगर देते हैं 10 और यहाँ पे शिफ्ट होल्ड करके सिलेक्ट करते हैं आगे नेविगेशन की से और कंट्रोल आर आप देख सकते हो गाइस फेल। अब ये सब अपने आप क्यों चेंज हुआ बिकॉज ये सेल से इंटरकनेक्टेड है सेल का रेफरेंस लिया गया दैट्स व्हाई। तो मैं इसको रेड करता हूँ फेल यहाँ से कर देता हूँ मैं इसको क्लियर है गाइस होप आपको समझ आ रहा है। अब ये तरीका आप सोचोगे सर आपने जो ऊपर कर रखा है ये तो अलग है कोई बात नहीं मैं आपको ऊपर वाला भी करके दिखाता हूँ इसको सेलेक्ट करेंगे ऐसे और ये डिलीट कर। अब इज इक्वल टू इफ टैब परसेंटेज मोर देन इज इक्वल टू 33 कमा वैल्यू इफ ट्रू इनवर्टेड कॉमा में पास इनवर्टेड कॉमा क्लोज कमा अब गाइस इफ यहाँ यूज करेंगे दिस वन लेस देन 33 होगा कमा इनवर्टेड कॉमा में फेल होगा इनवर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट और कंट्रोल एंटर। ओके गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समटाइम क्या होता है कि हम ब्रैकेट क्लोज नहीं करते तो उस टाइम पे डोंट वरी अब नहीं करोगे तो भी आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से डू यू वांट टू एक्सेप्ट दिस करेक्शन यस क्लियर है गाइस होप आपको समझ आ रहा होगा गाइस। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रेड ग्रेड निकालना है गाइस एंड उसके बाद रैंक पे चलेंगे। सो बिल्कुल सेम है गाइस थोड़ा सा समझने के ऊपर है कैसे बताता हूं सेलेक्ट करेंगे इज इक्वल टू इफ लॉजिकल है गाइस परसेंटेज मोर देन गाइस आप एवरेज भी ले सकते हैं क्योंकि बोथ आर सेम तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पे कुछ से कंडीशन मान लीजिए कि ऊपर देख सकते हो 80 से ज्यादा होगा मोर देन इज इक्वल टू 80 कमा इनवर्टेड कॉमा में ए इनवर्टेड कॉमा क्लोज कमा इफ गाइस एक से ज्यादा इफ यूज होता है तो उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ ठीक है राइट। सो नेक्स्ट यही लेनेंगे हम क्या मोर देन क्या मैं किसी से कंपेयर करना है बराबर इसके होगा 70 होगा तो कमा और इनवर्टेड कोमा में बी इनवर्टेड कोमा क्लोज समा एक और नेक्स्ट ए टैब। अब J5 भी लिख सकते हैं गाइस हम वहां पे सेल का रेफरेंस हम डायरेक्ट लिख भी सकते हैं मोर देन बराबर इज इक्वल टू 60 कमा इनवर्टेड कोमा में सी इनवर्टेड कोमा क्लोज तो गाइस ये चलता रहेगा कमा इनवर्टेड कोमा सॉरी कमा इफ लॉजिकल J5 मोर देन बराबर 50 और कमा इनवर्टेड कोमा में डी इनवर्टेड कोमा क्लोज कमा अब वैल्यू फॉल्स की जगह आप लिख दो फेल डायरेक्ट और ब्रैकेट क्लोज एक बार दो बार तीन बार चार लास्ट ब्लैक टू ब्लैक कंट्रोल एंटर और लोग फेल हो गए ना क्यों क्योंकि 50 के बाद 50 के नीचे सारे वैल्यू फेल। अगर मैं इसको मान लो मैं ऐसे 50 कर देता हूँ ठीक है 50 तो क्या होगा 50 के ऊपर वाले थे 51 फिर भी नहीं हुआ क्योंकि इसमें चेंज करना बिकॉज रेफरेंस ये लिया गया था ना कि ओके 50 एंड 50 वाले जीत क्लियर है गाइस होप आपको समझ आ रहा हो। नाउ नेक्स्ट गाइस रैंक रैंक का क्या है गाइस रैंक का मान लीजिए हमारे क्लास में 10 स्टूडेंट अब चेक करना किसकी रैंक पहले आया तो गाइस ये ध्यान से देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है पहले मैं यहाँ पे निकाल थोड़ा सा जूम इन करते हैं इज इक्वल टू रैंक
सॉरी रैंक टैब गाइस नंबर रेफरेंस एंड ऑर्डर। तो नंबर बोला गया, हम इसके हिसाब से चेक करना चाहते हैं कि क्या रैंक है। कंट्रोल बैक से फॉर्मूला बार में आएंगे, कमा रेफरेंस गाइस इन सभी का रेफरेंस लेना है, तो हम इस सब को लेंगे। कंट्रोल बैक उसके बाद कमा, अब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे डिसेंडिंग लेता हूँ जीरो और ब्रैकेट क्लोज शिफ्ट के साथ और एंटर। अब देखिए गाइस मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ रखूंगा कंट्रोल डी। अब इसको मैं ओपन करके दिखाऊंगा थोड़ा सा आपको। जैसे मान लीजिए मैं इसको ओपन करता हूँ, ये देखिए गाइस इसका जो रेफरेंस वो भाग रहा है, तो उसको लॉक करने के लिए गाइस मैंने हाउ टू यूज डॉलर साइन इन एक्सेल मैंने उस पर एक वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हो, बहुत हेल्प मिलेगा गाइस। So, कैसे करेंगे आप देख, सेलेक्ट करेंगे इजिकल टू रैंक टैब नंबर दिस वन कंट्रोल बैक कमा रेफरेंस पूरा ये रेफरेंस ले लेंगे और कंट्रोल बैक से फॉर्मूले वाले सेल में आ जाएंगे F4 से लॉक करेंगे उसके बाद कमा जीरो ब्रैकेट क्लोज कंट्रोल लुक गाइस। अब अगर आप देखोगे तो दोनों का आंसर अलग है, थोड़ा बहुत सेम होगा बट आप देखोगे इसको ओपन करके तो लुक ये भाग रहा है बिकॉज ये फ्री है। अगर आप देखेंगे मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, यहाँ गया था J5 अब यहाँ देखोगे तो आप J8 बिकॉज ये फ्री है बट हमारा जो रेफरेंस है लॉक। तो गाइस ये सारे हमने आज क्लियर किया, ये सारे फॉर्मूला आज हमने किया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके गाइस इसमें कुछ फॉर्मूले थे जो मैं ऐड कर दूं आपको। सम फॉर्मूला हमने किया है आज और इसको ऐड कैसे करते हैं बता देता हूं। मान लीजिए इजिकल टू मैक्स टैब कंट्रोल शिफ्ट ए एंड यहाँ आके स्पेस ताकि फॉर्मूला खुल जाए। इजिकल टू मिन टैब कंट्रोल शिफ्ट ए एंड यहाँ आके हम इसको ओपन, इसको हम करेंगे कंट्रोल बी और यहाँ से करेंगे इसको। तो गाइस आज हमने ये सारा फॉर्मूला किया है क्लियर। अगर अब मैं बात करूं कितने किए हैं, तो ये 7 फॉर्मूले के साथ हमने ये मार्कशीट रेडी कर दिया है। तो गाइस ऐसे अपना प्यार बना के रखे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय बाय, सीखो और शेयर करो।